कदम मिला के चलना होगा, साझी अपनी मंजिल होगी, साझा हर एक सपना होगा, तन मन तेरा सब कुछ तुम सजना साथ निभाना। ये ना सिर्फ प्यार, त्याग या पारिवारिक जीवन पर आधारित कहानी है, बल्कि इस कथा के माध्यम से हम संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखते हुए गांव की तमाम समस्याओं का समाधान करने की एक कोशिश कर रहे हैं। की खेती में अब फायदा नहीं रहा, बीज खाद सिंचाई महंगी हो गई है, गुड़ाई और कटाई के लिए अब मजदूर नहीं मिलते। इन सब से गुरज का गन्ना मिल पे पहुंच भी जाए तो दो दो साल तक पैसा नहीं मिलता। समझ नहीं आ रहा कि अब किस चीज की खेती शुरू करूं। खेती तो घाटे का सौदा है पिताजी, मैं सोच रहा हूँ जमीन बेचकर क्यों नहीं कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। नालायक, जमीन बेचकर खाएंगे क्या? मालिक, गाना लद गया है, कहिए तो ट्रॉली कांटा पे ले चलो। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। ठीक है मालिक। चलिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। माँ जी, आज भी लखनऊ से उनका कोई जवाब नहीं आया। बेटा पीसीएस हो गया है, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे होंगे, कहाँ याद होगा उन्हें अपना पुराना वादा। नहीं, ये नहीं हो सकता। रंजीत बाबू बात के धनी है, तुम्हारे पिताजी से उन्होंने वादा किया था कि हमारी शुभांगी की शादी वो अपने पोते से ही करेंगे। गोरी मैया आप ही की सुनिए। अरे वो क्या शुभांगी है कहाँ? बाहर निकालो मर जाएगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा पढ़ा, शाबाश, ऐसे ही पढ़ती लिखती रहना। मिर्वा, ओ मिर्वा, चल बिटिया बाबू को देख ला, हमको रसोई में बहुत काम है, चल चल। काकी, मीरा का पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे पढ़ने लिखने दो ना, चूल्हे चौके में क्यों इसे अभी से डाल रही हो? बिटिया, ई के लिए ना चूल्हा चौका बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे से सब। काकी, लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ेगी तो दो घर में शिक्षा की रोशनी होगी। अरे वो सब ठीक है बिटिया, लेकिन कुछ नहीं काकी, मीरा का पढ़ना जरूरी है। क्यों मीरा, तू पढ़ेगी ना? हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। शुभांगी बिटिया। हाँ काका। अरे बिटिया, तनिक हमें बताना ये दवा को कैसे छिड़कना है खेत। काका क्यों चिंता करते हो, मैं बताती हूँ।
इसे 10 लीटर पानी में घोलकर फसल के ऊपर छिड़काव करना है। देखा बिटिया, पढ़ी लिखी ना हो तो कैसे बतावत हमका इस दवा के बारे में। ठीक है बिटिया, चलता। बिटिया तू पढ़, घर का काम हम कर ले। चल मीरा, बैठो। चलो बच्चों, हम फिर से पढ़ेंगे। बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब आप सो भी जाओ, यूं ही मारा जपती रहोगी तो भगवान कैसे सोएंगे। हो गई तेरी मस्ती चालू। लाइए माँ जी, गरम तेल करके लाई हूँ, आपके पाँव में मालिश कर देती हूँ। अरे माँ जी सुनो तो सही, गुनगुने तेल की मालिश करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको सुकून भी मिलेगा। लाइए। नितिन सो गया क्या? हाँ वो तो सो गया। माँ, आदमी कोई जवाब नहीं आया लखनऊ से। ऐसा लगता है विवेक पीसीएस में सेलेक्ट हो गया है, अब वो एक किसान की बेटी से रिश्ता नहीं रखना चाहते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। रंजीत बाबू ऐसे इंसान है जिसपे ये चौपाई एकदम फिट बैठती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माँ जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इसी वादे के भरोसे तो हम बैठे हैं, लेकिन अब डर लगने लगा। मानती हूँ एक जवान बेटी के माँ बाप को चिंता लगी रहती है जब तक कि उसकी शादी ना हो, पर मुझे पूरा शुभांगी की शादी विवेक से ही होगी। शायद लोग बेटियां इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि बेटा वो तो जवान होके माँ बाप का सहारा बनता है और बेटियां बोझ। इसीलिए आप लोग ये बोझ जल्द से जल्द उतार देना चाहते हैं ना? मेरी बेटी बोझ नहीं, मेरा गर्व है। बेटा समाज की रीत नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करता। बाबूजी, ये रीत क्यों बनी? क्यों बेटियों को पराए घर जाना पड़ता है? शुभांगी, तू कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची? तू क्या समझती है ससुराल चली जाएगी तो पराई हो जाएगी हमारे लिए? अरे हमारे दिल में बसती है। बेटा सदियों से ये रीति चली आ रही है, बेटियों को ससुराल जाना पड़ता है। क्यों, बेटी को ही क्यों अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है? बेटा अपना घर छोड़ के ससुराल क्यों नहीं आ सकता? तेरा बचपना कब जाएगा? हाँ, अरे अपने दूल्हे को घर जमाई बनाएगी क्या? हमको नहीं करनी शादी, और मैं चली गई तो चिढ़ाएगा कौन? ठीक है मेरी नानी, तू कहीं मत जाना। अरे चल, अब चल के सोते हैं।
माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा एक मिनट। विशाखा बेटा ये रख। माँ माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी। बेटा तुम्हारे दादाजी के दोस्त की बेटी है, परसों पहले उन्होंने उन्हें वचन दिया था। वाह माँ, शादी मुझे करनी है, वचन कोई और दे बेटा। माँ जिस लड़की को मैंने आज तक कभी देखा तक नहीं, जाना समझना तो बहुत दूर की बात, उस लड़की से आप लोगों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अरे तो जाके देखा, वैसे तेरे दादाजी ने ना देखा है, बड़े संस्कारी लोग हैं, किसान की बेटी है। किसान की बेटी माँ? और मैं? नहीं माँ, ये मेरी लाइफ है। इस लड़की के साथ शादी करके मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है, ना कि आप लोगों को। अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की आजादी है, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमी ने पाल पोस के तुम्हें इस लायक बनाया है, कुछ हक तो तुम पे हमारा बनता है ना बेटे। बेटा मैंने कहा था ना, तुम्हारे दादाजी ने वर्षों पहले वचन दिया था इस रिश्ते के लिए। हाँ माँ, लेकिन मैं कोई मंदिर का प्रसाद नहीं हूँ कि जिसे भी मर्जी चाहे हाथ फैला कर बस उठाकर दे दिया। गलती मेरी है, मुझे वचन देना ही नहीं चाहिए, क्या करूं, इंसान हूं ना, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे आज मैं समझ बैठा था मेरा वो पोता जिसे मैंने इन बाहों में झुलाया, जिसकी हर खुशी हर मां हर इच्छा को पूरा करने के लिए मैं सबसे लड़ पड़ता था, मेरी एक छोटी सी मांग छोटी सी इच्छा पूरी कर दे, नहीं, आज पता चल गया मेरे पोते को मेरी वो छोटी सी इच्छा ऐसे लगता है जैसे उस पर बोझ लाद दिया गया। कुछ मत कहो उसे, मैं अपने स्वर्गीय दोस्त के परिवार से माफी मांग लूंगा, हाथ जोड़ के कह दूंगा कि मेरे कमजोर शरीर की तरह मेरा वायदा भी कमजोर हो गया। विवेक देख तेरी वजह से बाबूजी को आज कितना दुख पहुंचा। ऐसा ना कर बेटा, तेरे दादाजी को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, यही सिला दिया है तूने उनके अरमानों का। विवेक तुम पर मेरा अधिकार तब बनता है जब वो अधिकार तुम मुझे, हाँ अपने ऊपर तो मेरा अधिकार है ये कहने के लिए कि जब तुमने बेगाना कर ही दिया है तो इस बेगाने की अर्थी को हाथ मत लगाना। मैं नहीं चाहता मेरी अंतिम यात्रा का बोझ भी तुम लो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। माँ ये क्या बात हुई, इस बात का इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है, आखिर भैया को भी अपनी शादी के लिए लड़की चुनने का पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, फिर आप लोगों ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? जाओ अपने कमरे में, जब घर के बड़े बात कर रहे हो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, जाओ यहाँ से। परेशान मत हो, ठीक हो जाए। कैसे यकीन कर लूं कि सब ठीक हो जाएगा? विवेक तुम पर मेरा अधिकार तब बनता है जब वो अधिकार
तुम मुझे, पर हाँ अपने ऊपर तो मेरा अधिकार है ये कहने के लिए कि जब तुमने बेगाना कर ही दिया है तो इस बेगाने की अर्थी को हाथ मत लगाना। ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है? ऐसे नहीं तो इस तरह से डराएंगे? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तू क्या करेगा? तू अपनी खुशी के लिए अपने दादाजी का दिल दुखा पाएगा? तो क्या करूं? तू कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, घर का संस्कारी बेटा जो ठहरा, लेकिन घर वालों की खुशी के लिए अपनी खुशी की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी देगा ना? कुर्बानी देगा ना? ठीक है, यदि मेरे घर वाले मुझ पर अपना डिसीजन थोपने पर उतर ही आए हैं तो आज से मैं भी एक प्राण लेता हूं। जिस लड़की से ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवाने पर तुले हैं वो मेरी पत्नी भले बन जाए, पर मेरा प्यार पाने के लिए वो उम्र भर तड़पती रहेगी, कभी चैन से नहीं जी सकेगी, कभी नहीं। और इस तरह इस घर का आज्ञाकारी बेटा विवेक अपने दादाजी की इच्छाओं का पालन करते हुए ना चाह के भी शुभांगी के साथ दाम्पत्य जीवन में बंधने को मजबूर हो गया। शुभांगी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। इस घूंघट की आड़ में तुम्हारी उम्मीद की खुशियां सिसक सिसक कर दम तोड़ देंगी। इस शादी के लिए जितने मेरे घर वाले जिम्मेदार हैं उतना तुम भी। कैसे कैसे तुम जैसी लड़कियां एक अनजान लड़के के साथ उम्र भर के रिश्ते में बंधने को तैयार हो जाती? ये शादियां सिर्फ दर्द लेकर, सिर्फ दर्द। और इस दर्द में जितना मैं तड़पूंगा उतना तुम भी तड़पो। सजना।